नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, अब खबरों की करते हैं शुरुआत। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील के अधिवक्ता सभागार में नवनिर्वाचित अधिवक्ता समिति का शपथ ग्रहण समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। आपको बता दें तो नवनिर्वाचित अध्यक्ष, मंत्री सहित सभी पदाधिकारी व कार्यकारिणी ने शपथ ली। अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई सर्वोपरि, पूर्व उपाध्यक्ष बार काउंसिलिंग न्याय शाखा। आपको बता दें जानकारी के अनुसार तो बुधवार को दिन में 12 बजे लगभग अधिवक्ता समिति की शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण कर जय नारायण पांडे, पूर्व उपाध्यक्ष बार काउंसिल उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने किया। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष पतिराम यादव, मंत्री प्रदीप यादव, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, सुखदेव दुबे, जितेंद्र गुप्ता, शैलेश सोनकर, कोषाध्यक्ष पद पर रामरेश यादव सहित सहमंत्री मोहम्मद नासिर व रवि गौतम, जैनेन्द्र भारती और कार्यकारिणी के 10 सदस्यों ने शपथ ली। उसके बाद मुख्य अतिथि व नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सगड़ी अधिवक्ता समिति के सदस्यों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अधिवक्ता समिति शपथ ग्रहण समारोह में तहसीलदार सगड़ी विवेकानंद दुबे ने बार बेंच में सामंजस्य बनाकर जनहित में न्यायपालिका को सुचारू रूप से चलाने की अपेक्षा की। वहीं अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष पतिराम यादव ने अपने संबोधन में अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने की अधिवक्ता समिति से कहा कि पीछे नहीं हटेंगे। वहीं मंत्री प्रदीप राय ने कहा कि सभी अधिवक्ता साथियों के साथ खड़े रहने का वादा किया है। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बार काउंसिल उत्तर प्रदेश प्रयागराज जय नारायण पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि आजमगढ़ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के हक की लड़ाई बार काउंसिल लड़ेगा, अधिवक्ताओं का ही सर्वोपरि है। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित अधिवक्ता समिति को बधाई भी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता एल्डर कमेटी के चेयरमैन मणिकेश्वर मिश्रा व संचालन अजय सिंह ने किया। इस दौरान जनपद के सभी तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ पूर्व अध्यक्ष वेद प्रकाश राय, आशीष मिश्रा, सजितानंद, अनुराग यादव, ब्रह्मदीन चौबे, अमरिंदर सिंह, संजय सिंह, आलोक यादव, अरुण सिंह सहित दर्जनों की संख्या में अधिवक्ता।